तो जी आज का बाबा फुटलूस देव ज्ञान ये कहता है कि लाइफ में जब आपको आपकी खोई हुई चीज़ वापस मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं अभी कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ। रिमेंबर गाइस, मेरा वो मनाली के पास पहला घर जहाँ पे मैंने जनवरी फरवरी और मार्च काटे, वो घर जहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं ऐसे पुराने हिमाचली घरों को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा बढ़िया बना के आप लोगों को एक बढ़िया बुटीक हिमाचली स्टे का एक्सपीरियंस दे सकूँ। तो डील कुछ ऐसी थी कि उस घर को मैं एक साल के लिए लेने के लिए तैयार था, लेकिन जो हमारे लैंड ओनर थे उनको बड़े वाली डील मिली, किसी ने उसको 5 साल के लिए लेने के लिए कमिट किया। इवेंचुअली उनकी आपस में डील नहीं बन पाई और वो घर मुझे वापस आ गया। तो ये हो गई स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अब आपको मैं बताता हूँ स्टोरी का सेकेंड पार्ट, जिसका शीर्षक होना चाहिए सोने पे सुहागा। तो उस घर की स्टोरी मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे 2 दिन पहले डाली। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, बहुत लोगों ने बोला कि वो इंटरेस्टेड है उस घर को लेने के लिए। उनमें से किसी एक ने मुझे वो घर 1 साल लेने के लिए कमिट किया है। तो अभी आज यहाँ से जाना है। कहाँ जाना है? नगर टाउन जाना है। नगर टाउन जाना है, उनको वो घर दिखाना है, उनसे कुछ बात करनी है, उसके बाद वापस आना है। और अगर बाई जी डील बन गई ना तो आज पार्टी होने वाली है, घमासान पार्टी। तो जी सीन कुछ ऐसा बना था कि उस घर को किसी ने 5 साल के लिए ले लिया था, किसी लड़की ने वाराणसी से। उसने 5 साल के लिए लिया, लेकिन उसने आके पैसे नहीं दिए। उसने 1.5 महीना वहाँ पे रही, वो कुछ उसके दोस्त आए और उसके बाद एक दिन अचानक वो गायब। अब ऐसे में मेरे लैंडलॉर्ड, उनका फ़ोन आता है कि उस लड़की ने तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब आपको ही लेना, आप ही ले लो। तो गाइस सीन ऐसा है कि ये जो पहाड़ी लोग हैं ना, ये हैं शरीफ और संकोच वाले। हिमाचल में लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पैसा नहीं मांग सकते। अब नीचे अपने क्या होता है, टेनेंट जाता है नए घर पे तो उसको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हिमाचली संकोच कर जाते हैं, शर्मा जाते हैं, भोले भाले होते हैं ना बेचारे, तो लोग उनको पैसा नहीं देते, बोलते हैं कि बाद में दे देंगे। तो ऐसे ही उसने किया, 1.5 महीना वो यहाँ पर रुकी एज़ पर व्हाट आई वाज टोल्ड, और उसके बाद वो गायब। ये सही नहीं है। And this, my friends, is where the miscommunication in the story happened. और वो miscommunication हुआ मेरे पार्ट पे। तो ये जो मेरा घर था, ये था नगर कैसल से 3 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर की लिंक रोड और 1.5 किलोमीटर का ट्रैक। अब ये जो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक था, इसको मुझे करने के लिए लगते हैं 10 मिनट, लेकिन ये पॉसिबल है कि कुछ लोग जिनको पहाड़ों पे चलने की, ट्रैकिंग करने की आदत नहीं है, उन लोगों को ये ट्रैक करने के लिए लगे मे बी 1/2 घंटा। एंड इट्स पॉसिबल कि जिन लोगों को पहाड़ों पे चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, जो शहरों से नए नए आए हैं, वो लोग हो सकता है कि ये ट्रैक करके मेरे घर तक पहुँच ही ना पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप अपहिल है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन टुडेज स्टोरी। चेक दिस आउट। All right, everybody, here's an update. जो मेरे first potential customer थे, they found it a little hard to track. Every day आना जाना थोड़ा सा struggle है. So what's your input? मैं आप लोगों को एक honest वाला review दे देता हूँ. हम लोग ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर तक पहुँचना एक struggle है. What do you think? कैसा? We are with kids. हाँ. It will be quite difficult, like daily ऊपर नीचे आना जाना. Rainy season and हाँ. Winter season. हाँ, possible नहीं होगा. So, it's a hardship, but double hardship with kid. तो ये एक honest वाला review है guys. As I said कि 10 मिनट का ट्रैक है हालांकि, but if you are not used to of trekking in the mountains, if you are not used to of living in the mountains, then
आई वुड सजेस्ट स्टे समवेयर क्लोज टू द मॉल रोड या कुछ, मतलब नॉट असेंशली मॉल रोड बट हाँ फिर एक्सेसिबिलिटी को एक बड़ा कंसिडरेशन दे के चलो, एंड जो ऐसे ऐसे पुराने घर हैं इनका ख्याल छोड़ना पड़ेगा। सो अभी क्विकली आइडिया ये है कि मैं ऊपर जाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या सेटअप है, जस्ट इन केस यू वांट टू, हाँ जस्ट इन केस यू वांट टू रेंट दैट प्लेस। आप यहाँ पे कहीं पे रेस्ट करो, कहाँ उस पेड़ के नीचे, ओए गिरेगा, उस पेड़ के नीचे वहाँ पे रेस्ट करो आप, हैं। तो जी यहाँ पे स्टोरी ने बहुत तगड़ा वाला ट्विस्ट ले लिया। जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स थे वो कभी मेरी प्रॉपर्टी तक पहुँच ही नहीं पाए, वो कभी मेरी प्रॉपर्टी लीज कर ही नहीं पाए। तो पहले तो मैंने सोचा कि अब यार वीडियो तो हो गई बर्बाद, अब क्या ही इसका मैं व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका भी अच्छा व्लॉग बन सकता है उन लोगों के लिए जो लोग मुझे अभी ये वीडियो देख के नीचे कमेंट करने वाले हैं कि भाई जी इस प्रॉपर्टी का महीने का कितना रेंट है, 6 महीने का कितना रेंट है, साल का कितना रेंट है। तो इससे पहले आप वो सब क्वेश्चंस पूछो, आप लोग देख लो कि इस प्रॉपर्टी पे रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दो चीज़ें। सबसे बड़ी बात, यहाँ की एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको पहाड़ों पे रहने की, अकेले रहने की, ट्रैकिंग की, एडवेंचर की आदत नहीं है, देन दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लंबे टाइम के लिए वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करना है, जिनको हफ्ते में एक बार नीचे जाके काफ़ी सारी ग्रॉसरी ला के एक जगह पे पड़े रह के उसको पका के खाते पीते मस्ती से काम करते रहने में कोई हर्ज नहीं, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। चारों तरफ सेबों का बाग है और बीच में पूरे पहाड़ पे एक इकलौती प्रॉपर्टी है। मैंने थोड़ी सी इस प्रॉपर्टी के बारे में भी शॉर्ट्स बनाए हैं, कुछ दिखाया है कि कैसा है सेटअप। आओ आगे चलें, वीडियो कंटिन्यू करें और देखें अगर इन केस आपको ये जगह पे रहने का मन है तो आपको अंदर क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी के साथ क्या मिलेगा, इस प्रॉपर्टी में आखिर है क्या। एंड व्हाट अ ग्रैंड वेलकम दिस प्लेस एवरीबॉडी। द वॉशरूम, सम किचनवेयर जो आप लोगों को साथ में मिलेगा। चारों तरफ इसके ऐसे घूमने के लिए जगह है, एक नीचे है रूम और उसके एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पर ये दूसरा, आई थिंक द लेडी हु स्टेड हियर लेफ्ट सम सुवेनियर्स। रूम नंबर 1, यू कम अपस्टेयर्स। रूम नंबर 2, इसका एक्सेस नीचे रूम से भी है डायरेक्ट, और ये हो गया रूम नंबर 3। यहाँ पे आप अपना कुछ सामान डाल सकते हो, नीचे से आप लोग ऊपर आए, नीचे हो गया रूम नंबर 1, ये हो गया रूम नंबर 2। अगेन बोथ रूम्स आर इंटरकनेक्टेड, वो वहाँ पे बाथरूम और ये पूरी जगह आपकी। सो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा ये चीज़ कि ऐसे ऐसे जो जगहें होती है ना यहाँ पे काफ़ी सही होता है रहने के लिए, काफ़ी मज़ा आता है जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के लिए चाहिए होती है स्ट्रगल, रोज़ का वर्कआउट। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको डेली वर्कआउट पसंद है, जो कि एक्टिव रहना पसंद करते हैं, जो कि इन जगहों के लिए बने हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू गाइस कम एंड मे बी डू एन इंक्वायरी, इफ़ नॉट डेफिनेटली डोंट आस्क, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा, है ना, आप लोग आके रह नहीं पाओगे ऐसी जगहों पे। सो वो है छोटा सा, और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो मैक्सिमम ऐसी ही होंगी, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। पिंक रोजेस, रेड रोजेस और हम, और ये हो गया नीचे वाले रूम का, लिविंग रूम का नजारा। तो जी ये हो गई पूरी घर की स्टोरी। अब इस घर में मैं थोड़ा सा रिपेयरिंग करूँगा, थोड़ी सी इसकी दीवारें नई करूँगा, एकदम दिखने में बढ़िया हो जाएगा, बाथरूम थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, अंदर थोड़ी सी अच्छी वाली क्रॉकरी रखेंगे, थोड़े से गद्दे रखेंगे, और इस घर का रेंट हो जाएगा महीने के लिए अगर आपको चाहिए 16,000 रुपये, जिसमें अप टू 4 पीपल कैन ईजिली एडजस्ट। 16,000 रुपये में अगर आपको चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको नेगोशिएशन चेक करना है प्लीज़ डोंट कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको ये लंबे टाइम के लिए चाहिए, महीने से ज़्यादा, नेगोशिएशन हो सकती है। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अप्रिशिएट करना हो तो नीचे कमेंट कर दो। अगर आप लोग को कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो।
मिलते हैं अगले व्लॉग में।